नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा पांचवी के गणित में पार्ट पांच भिन्न का प्रश्न संग्रह 17 करने वाले हैं। सो दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्नोत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 17। ये क्या दिया गया है, प्रश्न संग्रह 17 में पहला प्रश्न दिया गया है चौखटों में सही संख्याएं लिखो। यहाँ पे देखो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 1/2 दिया गया है और हमको बनाना कितना है। यहाँ पे देखोगे ये 20 लिखा हुआ है, ये बॉक्स में हमको भरना है। तो हम लोग कैसे भरेंगे, यहाँ पे देखो ये इसको 1/2 लिख लो, अब यहाँ पे गुड़े का चिन्ह लगा दो। अब दो का ऐसा पहाड़ा पड़ना है कि 20 आ जाए, तो दो के पहाड़े में 20 कब आता है, 10 बार में। देखो दो धाम 20 हो जाएगा, जब यहाँ पे 10 का गुड़ा करोगे तो यहाँ पे भी 10 का गुड़ा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 × 1 = 10। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, ये आ जाएगा हमारा 10। अब हम अगला करते हैं, इसको भी ऐसे करना है। दूसरे में दिया गया है 3/4, ये दिया गया, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना है, अंश में 15 बनाना है। ये जो ऊपर का है 15, ये दिया गया है और यहाँ पे हमको लिखना है। तो हम लोग क्या करते हैं 3/4 में, ठीक है, गुणा करेंगे। तो ये 3 का ऐसा गुणा करना है कि 15 है, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15। जब यहाँ पे 5 का गुणा करोगे तो हर में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20। यहाँ पे हमको कितना भरना पड़ेगा, ये आएगा हमारा 20। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया है 9/11। तो ये देखो ये हमको यहाँ पे क्या बनाना है, अंश को बनाना है 18। तो यहाँ पे फिर से लिख लो 9/11, 9 को क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो 9 का पहाड़ा पड़ो 18 है, तो ये हो जाएगा 9 × 2 = 18। जब यहाँ पे 2 से गुणा करोगे तो इसमें भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो 11 × 2 = 22। तो हम लोग यहाँ पे क्या भरेंगे, 22। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया है 10/40। यहाँ पे हमको क्या बनाना है, हर को 8 बनाना है। तो हमको दिया गया 10/40। अब देखो 40 को 8 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, गुणा नहीं करेंगे, भाग करेंगे। किससे भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे। देखोगे यहाँ पे 40 में 5 का भाग दिया तो 8 आएगा, जब यहाँ पे 5 का भाग दोगे तो ये भी 5 का भाग देना पड़ेगा। तो 10 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 2। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया है 14/26। इसमें जो दिया गया है 26, मतलब हर को हमको क्या बनाना है, 13 बनाना है ना। तो ये हो जाएगा 14/26 को, जब हर को हमको 13 बनाना है, तो 26 को 13 बनाने के लिए क्या करोगे, भाग करोगे। किससे भाग दो, 2 से भाग देना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 2 से भाग दो। तो 14 में 2 का भाग दिया तो कितना हो गया, 7/13, यहाँ पे क्या आया, 7। अब अगला करते हैं, अब इसको कैसे करना है, यहाँ पे देखो ये तो 3 दिया गया है, ठीक है, ये वाला हमको लाना है, और यहाँ पे दिया गया है ये 4/6। अब मुझे ये बताओ, देखो 3 में किसका गुणा करोगे तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 का गुणा करोगे 6 आएगा, तो इसका मतलब ये भी तो 2 ही रहेगा ना। अब यहाँ पे ये कौन सी संख्या रहेगी जिसमें 2 का गुणा करने पे 4 आएगा, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारे पास 2। 2 में 2 का गुणा करोगे तभी 4 आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2, यहाँ पे भी लिखोगे 2। अब हम अगला करते हैं, वैसे ये भी दिया गया, सातवां दिया गया है 1/, यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया ना, तो हमको यहाँ पे क्या दिया गया, 4/20। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 1 में किसका गुणा करोगे कि 4 आएगा, तो देखो यहाँ पे 1 में 4 का गुणा किया तो 4 आ जाएगा। जब यहाँ पे 4 से गुणा होगा तो यहाँ पे भी 4 से गुणा होगा। कौन से पहाड़े में 4 बार में 20 आता है, ये 5 के पहाड़े में आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये भी आ जाएगा 5, ये हमारा आ गया 5। अब अगला करते हैं, आठवें में क्या दिया गया है, यहाँ पे हर में 5 दिया गया है और इसको क्या बना करके दिया गया है, 10/25। तो यहाँ पे ध्यान दोगे, ये हर हमारे पास तो है, हर में किसका गुणा करोगे कि 25 आ जाएगा, ये देखो 5 का गुणा किया तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 5 से गुणा करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं है ना। तो कौन से पहाड़े में 5 बार में 10 आता है, तो देखो 2×5 = 10 आता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा, तो ये क्या आया, 2 आएगा। अब अगला प्रश्न करते हैं, दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक भिन्न के तुल्य व भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 18 हो। अब यहाँ पे देखोगे इसका हर 2 है, इसका हर 3 है, इसका हर 6 है, इसका हर 9 है, इसका भी हर 9 है, इसका हर 3 है। तो हमको सभी हर को क्या बनाना पड़ेगा, 18 बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग किसके लिए करते हैं, 1/2 के लिए।
ये क्या बोला गया है, इसका हर हमको कितना चाहिए, 18 चाहिए, जैसा पहले किए वैसे ही करना है। यहाँ पे क्या करो, 1/2 लिख दो। देखो अब दो में किसका गुणा करोगे कि 18 आएगा, तो दो में 9 का गुणा करोगे तो 18 आएगा। जब हर में 9 का गुणा करोगे तो अंश में भी 9 का गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 9 का गुणा कर दो, तो 9 एक कम 9, ये हो गया 9/18। इसी तरीके से करना है। अब दूसरा कर लेते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, 2/3, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दूसरा वाला दिया गया 2/3, तो इसको भी वैसे कर दो, 2/3 बराबर हर को क्या बनाना है, 18 बनाना है। तो अब मुझे ये बताओगे कि 3 को 18 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 से गुणा किया, जब यहाँ से 6 से गुणा करेंगे तो इसको भी 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो 2 × 6 = 12, ये आएगा हमारा 12/18। अब हम अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, 4/6, तो यहाँ पे लिख लो तीसरे में दिया गया है 4/6। अब हमको क्या करना है, 4/6 को भी हर जो है इसका कितना करना है, 18 करना है। तो 6 को 18 करने के लिए किससे गुणा करोगे, 3 से गुणा करोगे, जब यहाँ पे हर में 3 से गुणा होगा तो अंश में भी 3 से गुणा होगा, 4 × 3 = 12, ये कितना आएगा, 12/18 आ जाएगा। अब चौथा करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, 2/9 दिया गया है, यहाँ पे लिख लो 2/9। अब क्या करना है, 2/9 को कितना बनाना है, हर कितना बनाना है, 18 बनाना है, तो यहाँ पे भी गुणा करोगे, 9 को 18 बनाने के लिए किसका गुणा करोगे, 2 का गुणा करोगे, देखो 9 × 2 = 18 हो जाता है। जब यहाँ पे हर में जब 2 से गुणा करोगे तो अंश में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, ये कितना आ गया, 4/18। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, 7/9, तो यहाँ पे पांचवे में लिख लो 7/9। अब 7/9 को अभी क्या करना है, हर जो है 18 बनाना है, तो यहाँ पे हर की जगह पे 18 लिख दो, तो 9 में किसका गुणा करोगे कि 18 आ जाएगा, तो 9 में 2 का गुणा करोगे तो 18 आ जाएगा, जब हर में 2 का गुणा होगा तो अंश में भी 2 का गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 7 × 2 = 14, ये हो गया हमारा 14/18। अब छठवा करते हैं, छठवें में क्या दिया गया, 5/3, तो यहाँ पे लिखोगे पहले 5/3 = 5/3। अब इसका भी हर कितना बनाना है, 18 बनाना है ना, 3 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, 6 से गुणा करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 6 से गुणा हो जाएगा, तो 6 × 5 = 30, ये कितना आ जाएगा, 30/18। अब अगला प्रश्न करते हैं, तीसरे प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित में से प्रत्येक भिन्न के तुल्य व भिन्न ज्ञात करो जिसका हर 5 हो। अभी यहाँ पे हमको जितना भी दिया गया है, हर दिया गया ना 15, 25, 30, 10, 35, सबको क्या करना है, 5 करना है। तो पहले में क्या दिया गया, 6/15 दिया गया, तो इसको लिख लो 6/15। अब यहाँ पे देखोगे 6/15, इसका हर कितना करना है, 5 करना है। 15 को 5 आने के लिए क्या करोगे, 3 से भाग दोगे, ये 3 से भाग दे दो, तो इसको भी 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 6 में 3 का भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 आएगा। अब हम लोग दूसरा करते हैं, दूसरे में भी देखो क्या दिया गया, 10/25 दिया गया, यहाँ पे लिख लो 10/25, ठीक है, ये हो जाएगा 10/25। हर कितना करना है, ये 5 करना है, 25 को 5 करने के लिए क्या करोगे, 5 से भाग दोगे, तो यहाँ पे 5 हो गया, ये भी आ गया 5, 10 में 5 का भाग गया तो ये कितना आ जाएगा, 2 आएगा, तो इसका भी कितना आएगा, 2/5। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, 12/30, यहाँ पे तीसरे में लिख लो 12/30। अब यहाँ पे 12/30 तो हमारे पास है, हर कितना करना है, 5 करना है, 30 को 5 करने के लिए क्या करोगे, 6 से भाग दोगे, तो इसको भी 6 से भाग देना पड़ेगा, 12 में 6 का भाग गया तो कितना आएगा, 2, तो ये कितना आ गया, 2/5। अब चौथे का कर लो, चौथे में क्या दिया गया, 6/10, ये हो जाएगा 6/10, यहाँ पे लिखोगे 6/10, इसका भी हर कितना करना है, 5 करना है, तो 5 करने के लिए क्या करोगे, भाग दोगे 10 में, किसका भाग दो, यहाँ पे देखो 10 में 2 का भाग दोगे तो 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 से भाग देना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6 में 2 का भाग गया तो ये कितना आया, 3, ये कितना आ जाएगा, 3/5। अब अगला करते हैं, पांचवे में क्या दिया गया, 21/35, तो यहाँ पे लिख लो 5/21/35। अब क्या करना है, 21/35 का जो हर है वो क्या बनाना है, 5 बनाना है, तो भाग दोगे, तो 35 को 5 बनाने के लिए किसका भाग दोगे, 7 का भाग दोगे, यहाँ पे भी अंश में भी 7 का भाग देना पड़ेगा, तो 21 में 7 का भाग दिया तो कितना आ जाएगा, 3/5। अब अगला करते हैं, चौथे में क्या दिया गया, निम्नलिखित भिन्नों में से परस्पर तुल्य भिन्नों की जोड़ियां ज्ञात करो। यहाँ पे अब देखो पहली जोड़ी में क्या आएगा, 2/3 तो है,
ठीक है, इसकी जोड़ी कैसे बनेगी, देखो इसकी जोड़ी बनेगी इसके साथ में, ये यहाँ पे इसके साथ में, तथा 18/27। अब ये आता है कि ये आया कैसे, देखो तीन में 27 लाने के लिए 9 का गुणा किया, तो 3 9 27 और 2 9 18, तो इसका मतलब दोनों में 9 का गुणा करने पे ये जोड़ी बनती है। अब दूसरी जोड़ी कौन सी बनेगी, तो यहाँ पे देखो ये क्या है 5/7 है और यहाँ पे क्या है 10/14 है, तो 7 में किसका गुणा किया, 14 आने के लिए 2 का गुणा किया, यहाँ पे देखो 5 2 10 और 7 2 14, मतलब ये भी जोड़ी बनेगी 5/7 तथा 10/14। अब तीसरी जोड़ी ढूंढनी है अपने को, यहाँ पे देखोगे 5/11 है और यहाँ पे 15/33 है, देखो 5 3 15 और 11 3 33, मतलब ये आ जाएगा 5/11 तथा 15/33। अब चौथी जोड़ी बताना है, तो यहाँ पे दो ही बचा है, देखो 7 2 14 9 2 18, ये हो जाएगा 7/9 तथा 14/18। इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं, पांचवें प्रश्न में क्या दिया गया, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न के 2 2 तुल्य भिन्न ज्ञात करो। तो पहले प्रश्न में क्या दिया गया है, 7/9, ये पहले प्रश्न में दिया है, तो इसको क्या करो, मतलब मैं 7/9 लिख लो। अब 7/9 में आप लोग किसी से भी इसका गुणा कर सकते हो, जैसे सपोज मैंने इसका 2 से गुणा कर दिया, तो ये 2 से यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, यहाँ पे भी गुणा हो जाएगा, 7 2 14 और 9 2 18, ये पहला आ गया, ठीक है, हमको 2 2 बनाना है ना। अब फिर से बनाओ इसको 7/9 में, अब क्या करो, किसका गुणा करो, सपोज मैंने 6 का गुणा कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 7 6 42 और 9 6 54, ये हमारा आ गया तुल्य भिन्न। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 7/9 बराबर 14/18 बराबर 42/54। आप लोग यहाँ पे किसी से भी गुणा कर सकते हैं, 3 से कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 6 से कर सकते हैं। अब अगला करते हैं, दूसरे में क्या दिया गया है, 4/5, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4/5। 4/5 में अब मैं किसका गुणा करूँ, देखो यहाँ पे मैंने 3 से गुणा कर दिया, अपने मन से कुछ भी ले सकते हैं, 4 3 12 5 3 15, ये खत्म हो गया। अब फिर से एक और बनाना है, तो 4/5 बराबर फिर से लिखो 4/5 गुणे, यहाँ पे 5 से गुणा कर दो, ये हो जाएगा 4 5 20 और 20 5 25, ये क्या आ जाएगा, 4/5 बराबर 12/15 बराबर 20/25, ये आएगा उत्तर। अब अगला करते हैं, तीसरे में क्या दिया गया, देखो 3/11 दिया गया ना, यहाँ पे देखो 3/11 है, ये लिखो 3/11। अब इसका भी समतुल्य भिन्न बनाना है, तो 11 को यहाँ पे मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, तो 3 2 6 11 2 22, ये पहला समतुल्य भिन्न बन गया। अब फिर से करो 3/11 बराबर 3/11 में मैं 5 का गुणा कर देता हूँ, यह जगह 5 3 15 और 11 5 55, क्या आया, 3/11 बराबर 6/22 बराबर 15/55। आप लोग इसमें किसी का भी गुणा कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 10, किसका भी कर सकते हो। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 17 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 17 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।